पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं। कागजी प्रक्रिया होने के बाद गुरुवार सुबह 6:15 बजे ही सहरसा जेल प्रशासन ने आनंद मोहन की रिहाई कर दी। इसके बाद गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी पद्मा ने फिर से विरोध किया है। दोनों ने एक स्वर में कहा कि आनंद मोहन का छूटना हमारे लिए दुख की बात है, बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम लोग अपील करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के IAS एसोसिएशन ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार से रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। गुरुवार मीडिया से बातचीत के दौरान दिवंगत IAS अधिकारी की पत्नी उमा देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं आनंद मोहन को वापस जेल भेजने की अपील करती हूँ। जनता भी इस रिहाई का विरोध करेगी। जनता के विरोध के बाद भी आनंद मोहन को रिहा करना एक गलत फैसला है। अगर आनंद मोहन भविष्य में चुनाव लड़ेंगे तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। सरकार कानूनी तरीके से अंदर लेकर गई और कानूनी तरीके से बाहर ले गई, इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार से इस फैसले से सारे IAS और IPS निराश हुए हैं। वहीं दिवंगत IAS अधिकारी जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने कहा कि आनंद मोहन को आज जेल से छूटना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। उनकी रिहाई का फैसला गलत है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जल्द ही हम लोग बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।